स्टेज और आप अपने विचारों को हम सभी के साथ शेयर करें। हरीश शर्मा सर। थैंक यू अर्पणा मैम, सभी सभी सीनियर साथियों का और जितने भी आज पार्टिसिपेट हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम हरीश शर्मा है, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूं, गवर्नमेंट जॉब में हूं और वैसे मैं लगभग 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, लेकिन आज मैं टोटल फोन पैसिव के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है मैम? जी, जी जी बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। तो मैं आज जो भी साथी नए आए हैं तो मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों के ओन पैसिव वास्तव में ना आपका सौभाग्य है। ओन पैसिव में अगर आप आ जाते हैं तो आप सबसे पहली बात है कि आप अपने आप को इतना सिक्योर महसूस करेंगे जितना आज तक पहले कभी भी नहीं किया। मैं 22 साल के अनुभव के आधार पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई, लेकिन ओन पैसिव एक कंपनी नहीं है। ओन पैसिव के एक रिवॉल्यूशन है, ओन पैसिव एक मिशन है जो किसी भी शख्स को वो अधिकार देता है कि वो जो सपने उसने कभी देखे थे और वो जिनके ऊपर वो धूल जम चुकी थी, उस धूल को हटाने का समय आ गया है दोस्तों। ओन पैसिव एक क्रांति लेकर आ रहा है, आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है। मेरे को जब बताया मैम कि ओन पैसिव के बारे में, तो मैं ऑलरेडी किसी एक कंपनी में काम कर रहा था और एक लेवल पे था, लेकिन तो मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया कि भैया मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहा हूँ और सर मैं नहीं आगे किसी को तो मतलब चेंज कर सकता कंपनी को। तो उन्होंने मेरे को जो फर्स्ट लाइन बोली कि हरी सर ये MLM नहीं है। तो जब MLM नहीं है तो वो बात मुझे क्लिक की और वो मैं थोड़ा सा जागरूक हुआ कि मैं चलो इसको जानता हूँ या सुनता हूँ वीडियो को। और जब वो वीडियो देखी तो उसमें एक चीज बोली कि जब MLM नहीं है तो आपको आपको कंपनसेशन नहीं है कि आपको अपनी टीम डेवलप करनी पड़ेगी, और जब टीम डेवलप नहीं करनी ना कोई प्रोडक्ट सेल करना, तो ये दो चीजें होती हैं जो किसी भी आदमी को, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे और चाहे कोई भी और काम हो, तो उसमें जो रोकती है वो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कि आप आदमी को बोलता है कि भाई मैं किसी को टीम को नहीं बता सकता या मैं किसी को जोड़ नहीं सकता, तो ये दो चीजें थी जो जो ऑब्स्टेकल होता है किसी भी कंपनी के अंदर काम करने में, किसी भी एक आम आदमी को। तो वो दोनों चीजें ओन पैसिव खत्म कर रही है। तो एक कितना एक्साइटेड बात है ये अपने आप में कि आप किसी भी चीज के से बाउंड नहीं है, आप केवल इन करते हैं और आप विन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूनिक चीज, यूनिक कॉन्सेप्ट इस पूरी दुनिया के अंदर ओन पैसिव जैसा, मतलब इसके लिए जो इसकी तारीफ में शब्दों की कमी पड़ जाती है जब हम ओन पैसिव की बात करते हैं। तो सभी से ये कहूंगा दोस्तों कि इसको दिल से कीजिए आप और पूरी विद फैमिली कीजिए। आप अपने अपने फैमिली में अपने बच्चों से बात कीजिए, बच्चों को ये दिखाइए, एक पूरी फैमिली का एक माहौल चेंज होगा, एक श्योरिटी महसूस होगी, एक सिक्योरिटी महसूस आप करेंगे और लाइफ में आप जो चाहते हैं वो ओन पैसिव से मिलने जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ओन पैसिव में हूँ और एक अच्छी खासी टीम भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच हरीश सर। आपने बहुत ही मोटिवेशनल और जो बातें कही है हम सभी के साथ, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी से थैंक यू। रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा ही हम आज के सेशन में चाहते हैं कि आप अपने मोटिवेशनल स्पीच हम सभी के साथ शेयर करें, अपने अनुभव आप हम सभी के साथ शेयर करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हरीश सर से एक चीज मैम, हाँ हाँ जी बोलिए मैम। जी ऐसे ही हम सभी के साथ जुड़ते रहे आगे एक भी। चीज और बोलना चाहूंगा मैम, मैं जी कंटिन्यू। मुझे आपने ये जो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था ट्रू फाउंडर कौन, तो उसमें मुझे जब जो पहला एपिसोड था और उसका जब मैं विनर बना था, तो मतलब हमारे घर के अंदर क्या मतलब एकदम ऐसा माहौल हो गया, पता नहीं हमने क्या जीत लिया। मतलब वो एक एक एग्रेशन था, एक पैशन था कि मतलब बड़े बड़े LC मेंबर्स के साथ बात करने का मौका मिलेगा,
और गुरसुंदर ढिल्लों सर से भी बात करने का मौका मिला। तो एक मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे घर में एक इस तरह का माहौल हो गया था कि हमने पता नहीं क्या जीत लिया है। तो ये पावर है ऑन पैसिव की। तो थैंक यू, थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, जो आपने ट्रू फाउंडर कौन का खिताब जीता है, और वेलकम, आप इस थैंक स्टेज पे हमेशा वेलकम रहेंगे, और थैंक यू वेरी मच सर। यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी अजय सर को ऑन स्टेज। अजय सर को शायद कुछ कहना है। अजय सर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया। हरीश जी, आपको इस मंच पे पाके हम धन्य हुए हैं। और जिस तरह से आपने बेस्ट पॉन्डर को अपने आप को एक परिभाषित किया था और उसके लिए आप विनर भी रहे, उसके लिए हम इस मंच से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। और थैंक यू सर। साथ ही साथ हरीश जी, हमारा ये विनम्र निवेदन है आपसे कि इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। और मंच पे कभी अगर आप हमारे मंच से भी लोगों तक अगर अपने आप अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहें और हमारे लोगों को भी अगर आके आप मोटिवेट करें तो हम आपका बड़ा आभारी रहेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली सर। सर मैं तो चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसा रास्ता भी या प्लेटफॉर्म मिले कि जिस पे मैं आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाऊँ, और मैं ये मेरा सौभाग्य होगा सर, डेफिनेटली। यू आर एट राइट प्लेस हरीश जी। और हमारे लिए भी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने जो है हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। और मैं अमर सर से चाहूंगा कि वो भी दो शब्द हैं। अमर सर, थैंक यू अजय जी। थैंक यू अमर सर। मैं तो पहले जरूर बोलना था इनके बारे में। तो एक तो मैं इनकी आवाज से बड़ा प्रभावित हुआ। इनकी जो कर्कश आवाज, जब ये थैंक शुरू किया बोलना, तो ऐसा लगा कि यार नहीं, चाहे ये कुछ भी बोलें, इनको सुनना बड़ा अच्छा लग रहा थैंक यू वेरी है। मच। कई कई बार ऐसा होता है ना कि कोई, मतलब आप, मतलब वो नहीं कर रहा हूं, मैं बता जी, रहा हूं कि आपकी आवाज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आप अगर, ओह माय गॉड सर। नहीं, ये फैक्ट है। मतलब जिस ढंग से जी बोलते हैं, जिस से आप बोलते हैं, तो बहुत ही शानदार जी लगा। और अपने बारे में जो कुछ आपने बताया, आप तो प्राइज विनर रहे, तो जैसा सर ने कहा कि भाई आप आइएगा और हमारे जी यहाँ सर, लोग बिल्कुल मोटिवेट करिएगा, तो आप आया करें। आप कुछ बिल्कुल सर, अगर, जैसे भटकर जी हर रोज हमारे मंच पे हमें मोटिवेट करके जाते हैं, तो हम आशा जी करें सर, आप भी हर रोज 5 या 10 मिनट तक आप बोल सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप ज्वाइन करिए हर रोज। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब ये थैंक मेरा सौभाग्य होगा सर, मैं आपका बहुत बहुत यू, आभार व्यक्त करता हूँ सर। थैंक यू। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आए और आज आप अपना